बीजापुर जिले के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत दो छात्रों की मलेरिया से मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सोमवार को बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का दौरा कर वहां भर्ती बच्चों के अलावा अन्य मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। अस्पताल के निरीक्षण के बाद मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि सिर्फ बीजापुर ही नहीं बल्कि प्रदेश की तमाम उन अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार की जाएगी जहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा बीजापुर जिला अस्पताल में जो सुविधा नहीं है वहां सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की मौत के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मौसम के अनुसार आने वाले तमाम बीमारियों और उनसे निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसलिए उनके इलाज के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, अभी इस विषय में हम लोग बैठक लेंगे और बैठक में उनके मौत का कारण और किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट दिया गया वो सारी बातों का भी चर्चा होगा। अभी मैं चूंकि जो मरीज भर्ती हैं हमारे पोटा केबिन से या छात्रावास से या गांव से जो आए हुए हैं उन मरीजों से मलेरिया प्रभावित और सभी प्रकार के जो रोगी हैं उनसे मुलाकात हुआ है। सभी ने अच्छा इलाज हो रहा है ऐसा कहकर जो है हॉस्पिटल के बारे में बताया है और अभी हम लोग देखे हैं कई चीज यहाँ आवश्यकता है उसको मांग भी की है। डायलिसिस यूनिट और बढ़ाने की बात है, कैजुअल्टी वार्ड और आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है, तो कुछ मांगे भी आई हैं और निश्चित रूप से हमारा पूरा स्वास्थ्य महकमा प्रदेश के एक एक व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए आज बीजापुर दौरे पर हमारे शीर्ष अधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सर, बीजापुर आपको पता होगा कि बिल्डिंग जो है वो पुरानी है, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आने लगे हैं और आपको इस तरीके से बीजापुर लोकली में मरीज ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको बीजापुर में नए सेटअप की आवश्यकता है या नए सेटअप के प्लान करेंगे सर? निश्चित रूप से ये भवन CHC का सेटअप चल रहा है, नए भवन के लिए हम लोगों ने वो कर दिया है और जल्द ही पूरे फुल सेटअप के साथ बीजापुर का नवीन जिला चिकित्सालय भवन बनेगा। देखिए, बीमारियां जो है मौसमी बीमारियां अभी नहीं आदिकाल से इस सीजन में आते हैं, बैक्टीरिया वायरस का बढ़ने का समय रहता है, तो हम लोगों का कोशिश होता है कि हम लोग बीमारी को आने से ही रोकें। इसलिए हमारी जो मितानिन बहनें हैं, नीचे के हेल्थ वर्कर हैं, प्रारंभिक स्तर से क्लोरीन की दवाई पीने वाले पानियों में डालना, फॉगिंग करवाना, DDT BSC वगैरह का मलेरिया से रोकने के लिए, मच्छरदानी बांटना, हर व्यक्ति का जाकर हेल्थ किट के माध्यम से ब्लड टेस्ट करना, ये सब हम प्रारंभिक रूप से काम करते हैं। हमारा स्वास्थ्य महकमा नीचे से लगा हुआ है और पूरी तरह से आप देखे होंगे कि डायरिया के 10,000 से ऊपर केस पूरे प्रदेश में आए, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो 5 स्पष्ट नहीं है अभी की, वो डायरिया से मौत हुई है, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे हैं कि 4 घंटे में उनकी मृत्यु हो गई। 4 घंटे में डायरिया से मौत नहीं हो सकती है। हमारा स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारी पूरी तैयारी है पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार के मौसमी बीमारी से निपटने की। सर, बीजापुर जहाँ पर आप आए हुए हैं, सरकारी अस्पताल तो एक है लेकिन एक दर्जन से अधिक यहाँ पर मेडिकल कैसे चल सकते हैं सर? अगर एक अस्पताल है तो आयुष्मान भारत पर भी योजना पर जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है सर, जब इतने मेडिकल चल रहे हैं। देखिए, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और मेडिकल खुले और हम आयुष्मान से उनको दे रहे हैं और सबको हम आमंत्रित करते हैं। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक केस है तो हम कार्रवाई करने पर भी नहीं चुकेंगे, हम उस पर भी कड़ी नजर रखे हैं और आपने देखा होगा कि हम कई कार्रवाइयां भी हॉस्पिटलों के खिलाफ किए हैं।